हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो क्या हुआ कि कल हम लोग काम कर रहे थे और इधर भी पेंट का एक मैटर हो गया कि यहाँ पे जो बाहर का जो कलर है, बाहर प्रोफाइल हुआ है, टेक्चर हुआ है, रफ टफ हुआ है। तो फिलहाल जब टेक्चर पे जो कलर मारना था तो रफ टफ के जैसा ही मारना था। तो फिलहाल गलती क्या हुआ कि दुकान का ड्राइवर आया और उसको डार्क वाला कलर जो सैंपल था वो डार्क दे दिया गया। और वो दुकान वाले ने भी, दुकान वाले की खैर गलती नहीं है क्योंकि उसने जो पाया और बनाया, क्योंकि मुझसे भी बात हुआ तो मैं बोला प्रोफाइल के जैसा जो अभी आप देख रहे हैं बिल्डिंग में, तो मैं बोला यही सेम कलर चाहिए। तो फिलहाल गलती क्या हुआ, अभी देख सकते हैं जो बाउंड्री पर लगा हुआ है वो थोड़ा कलर डार्क है, तो कुछ ज़्यादा डार्क नहीं लेकिन बिल्डिंग यानी घर से मैच नहीं खा रहा है। तो इसी बात को लेकर थोड़ा कल कुछ मैटर हो गया था। तो अभी फिलहाल फिर से नया ऑर्डर गया है, नया तरह का कलर अभी दोबारा आया है। अभी कल का पूरा दिन का जो मेहनत है वो बर्बाद हुआ। थोड़ा बहुत गलती होता है लेकिन भरपाई कभी कभी बहुत बड़ा करना पड़ जाता है। तो दोस्तों, मिलने वाला है आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त, तो वीडियो पर बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और बेल आइकन दबाएँ जिससे नोटिफिकेशन जो भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखते हैं। वैसे आप अगर ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं, आप कितना भी अच्छा करें, कितना भी 100% आप देने की कोशिश करें, आप तो अपने हिसाब से मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके ऊपर उंगली उठते ही रहती है, क्योंकि हर इंसान आप में कमी ढूंढता है और आप में आपको कोसने के लिए वजह ढूंढता है। तो इंसान चाहे कितना भी कोशिश कर ले वो अपने हिसाब से तो सही करता है लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता है, तो इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं उंगली उठाते रहते हैं। मैं इधर आया हूँ, इधर थोड़ा सैंपल बनाना है दरवाजे का। ये हफ्ता तो मेरा पूरा ही बीत गया कि कहीं बिल्डिंग का जबलोन का सैंपल, कभी दीवार का सैंपल। तो फिलहाल यहाँ पे आया हूँ, दरवाजे का जो प्लाई है उस पर मुझे पेंट मारना है। ज़्यादातर सऊदी क्या होता है कि सेम इसी कलर को वार्निश और सीलर मार के कम्प्लीट करवा देते हैं क्योंकि उनको लाइट कलर चाहिए था। लेकिन ये सऊदी को अभी देखिए, यहाँ पे दो सैंपल ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा इसमें डार्क है लेकिन इसको और भी ज़्यादा डार्क चाहिए। तो फिलहाल अभी मारते हैं। अभी जैलोन आ गया है हमारे पास, तो जैलोन ला के रखा हुआ है, अभी इसको खोल के मारते हैं, थोड़ा सिंपल बनाते हैं फिर देखते हैं कैसा आता है। इसी का मैचिंग आता है ना, कुछ डार्क होता है तो सऊदी को पसंद के ऊपर अभी जो पसंद आएगा उसी हिसाब से अभी इसके घर में दरवाज़ा लगेगा उसी तरह से। अभी ये जो दरवाज़ा है बहुत बड़ा है, फिलहाल ये पूरा फुल दरवाज़ा है, तो इसलिए मैं सिंपल बस थोड़ा सा बना रहा हूँ ताकि दरवाज़ा भी नहीं खराब होगा और पेंट भी ज़्यादा नहीं लगेगा। क्योंकि सऊदी को अगर पसंद आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो फिलहाल इतने में ही रह जाएगा और कलर भी बच जाएगा इसका। तो बस इतना ही अभी फिलहाल बनाते हैं और देखते हैं कैसा कलर आता है। तो वीडियो में बने रहें। अभी दरवाजे का सिंपल हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं कि इसमें तीन कलर अभी दिख रहा है। अभी जो मैंने मारा अभी बड़ा वाला प्लाई में, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट है, ब्राउन शेड में है और ब्लैक थोड़ा डार्कनेस है। तो देखते हैं सऊदी को कौन सा पसंद आता है, सऊदी जैसा पसंद करेगा उसी तरह से इसके दरवाजे को पेंट होगा। हमने अभी सिंपल बना दिया, अभी चलते हैं थोड़ा होटल पर खाना लेते हैं और चलते हैं साइड पर कुछ काम धाम करते हैं। मैं जो चूहा दौड़ रहा है उस चूहे को शांत करने के लिए फिलहाल हमने खाना लेके आ गया है, तो दे देते हैं पहले खाना फिर निकलते हैं दूसरे साइड पर। ये जो नहर है ये आता है यमन से और इसमें जब बारिश होता है तो पानी भर जाता है पूरा। और जो सड़क है हमारे सामने जो आप देख रहे हैं, ये समझ लीजिए मजरा यानी जो खेती होता है उस तरफ से गुजरा हुआ है। और यहाँ पे जो अंगूर का खेती ज़्यादा होता है, अंगूर का खेती बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। तभी अंगूर का जो समय था वो भी ख़त्म हो चुका है क्योंकि अभी पौधा आप देख सकते हैं कि सूख रहा है, दिख रहा है पूरा अंगूर का ही खेती है और दोनों तरफ आप देख सकते हैं। और यहाँ से अंगूर निकालने के बाद लोग यहाँ पे बैठ के बेचते भी हैं। अभी देख रहे हैं जितना भी जो झाड़ दिख रहा है, झमड़ा जो लगा हुआ है वो पूरा जो भी है सब अंगूर का ही खेत है और बहुत सारा अंगूर इधर तैयार होता है। ये ज़्यादातर इसी एरिया में मैं जैसे जहाँ तक घुमा हूँ, लेकिन यहाँ ये जो एरिया है ज़्यादातर यहाँ पे अंगूर का ही खेती हो रहा है। ओवरटेकिंग करना मना है फिलहाल, लेकिन गाड़ी यहाँ पे जो खाली रास्ता देख के ज़्यादातर गाड़ियाँ ओवरटेकिंग करते रहते हैं क्योंकि अंदर का जो रास्ता है
और थोड़ा कभी कभी अंधा मोड़ रहता है तो उसमें मालूम नहीं रहता है कि सामने से भी कोई गाड़ी आ रहा है, और ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। जो पहाड़ी है यहाँ नजरान का, जो सबसे ऊंचा पहाड़ी है, वो जो चोटी दिख रहा है आपको, तो अभी हम जितना नज़दीक जाते हैं ऐसा लगता है कि पहाड़ और भी ज़्यादा दूर भाग रहा है, और ये लगभग बहुत ज़्यादा दूर से दिखाई देता है। और ये बाकी बहुत सारा पहाड़ है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइट वाला पहाड़ है यहाँ पे। घर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो काला काला जो पन्नी लटका हुआ बांधा हुआ है, ये केवल लगाए लोग कबूतरों के लिए, कि कबूतर आते हैं बहुत ज़्यादा गंदा करते हैं घर को। तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि पौधी जो है, जो सीडी का जो कैसेट होता है, उसको खिड़की पे लटकाते हैं। खिड़की पे लटकाने से क्या होता है, उनका जो रोशनी आता है धूप की वजह से, तो इनकी आँखों में लगता है कबूतरों को, तो ऐसा मानना है इनका। फिलहाल इसका अभी कोई 100% श्योर नहीं है कि उससे कबूतर नहीं आएगा, और फिलहाल हर तरह का टोटका अपना रहे हैं इधर भी कि किसी तरह से कबूतर ना आए। अपने बगीचा तो बहुत देखा होगा, लेकिन ये खजूर का समझिए बगीचा नहीं, बहुत बड़ा जंगल है। यहाँ पे कम से कम कईयों हजारों की संख्या में यहाँ पे पौधा है, और पूरा खजूर, जिसमें हर पौधे में खजूर, अगर बड़ा साइज का अगर खजूर की बात करें तो उसमें एक होता है मुमकिन, एक पौधे में मुमकिन 50 किलो 60 किलो ऐसा, ज़्यादा। अभी आप देख सकते हैं इसमें कितना ज़्यादा लटका हुआ, एक अगर इसमें फसल जो है, अगर एक झाड़ को काटते हैं उसमें भी 15-20 किलो 30 किलो निकल जाता है। हम लोग का जो काम है ये पूरा पीछे का ख़त्म हो चुका है, बाकी जो है यही जो गेट बचा हुआ है, तो गेट का भी बाकी है इसलिए, क्योंकि इसमें अभी दरवाजे का पेंट का काम हो रहा है, अभी ये ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग का जो सीलिंग है ये साइड जो बाकी है वो करेंगे। वैसे सऊदी ने अपने शौक के लिए हिरन पाला, यहाँ पे 4-5 हिरन है, चलिए मैं दिखाता हूँ अभी, तो वो बाकी सब अंदर है, बाहर बैठा हुआ जो बड़ा सिंह वाला हिरन है बैठा हुआ है। यहाँ पे एक समझ लीजिए एक छोटा सा जू ही है, क्योंकि इसका जो सिंह है आप देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा है यार। कभी क्या होता है कि एक बार अगर गलती हो जाता है ना, तो आप उसको कोशिश करते हैं सुधारने के लिए, तो बार बार कहीं ना कहीं सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जाता है। तो इसी तरह से अभी हो गया है कि कल थोड़ा मैटर हो गया कलर का, और आज जो मुश्किल हो गया कि कलर तो आया, लेकिन सऊदी को एक बार जब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो अभी सऊदी थोड़ा सा भी डिफरेंट पसंद नहीं कर रहा है। अभी मेरे गाड़ी में 9 बाल्टी पूरा, आप देख सकते हैं कि 9 बाल्टी पूरा लदा हुआ है, और लेके जा रहा हूँ इसको चेंज कराने के लिए, थोड़ा सा कलर में थोड़ा डिफरेंट है, तो इसको कलर सही करवाना है फिर लेके वापस आना है, क्योंकि आता है पूरे धूल के साथ में, और कितना सारा धूल अभी अचानक में सड़क पे आ चुका है, और हवा भी बहुत जोरों का है। दुकान पे आ चुका हूँ फिलहाल, अभी सलाह का टाइम है और बंद है दुकान, तो अभी 4 बजे खुलेगा, अभी 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाद दुकान खुलता है, देखते हैं कलर का कैसे कैसे क्या होता है, क्योंकि कलर थोड़ा लाइट है, अभी थोड़ा इसको डार्क करना है, और कलर का जो ब्लॉग है बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि कल जो मैटर था कलर का जो फंसा हुआ था, तो फिलहाल कल बहुत लेट हो गया कलर खल्त करवाते करवाते मिक्स करवाते करवाते, तो अभी जो कलर आया रात में हम लोग मार के गए, तो उससे ब्रोफाइल से जो बहुत ज़्यादा मैचिंग खा रहा है, तो देखो शाम को आया है ये है, और ये रफ टफ का कलर है, इससे ज़्यादा मैच खा रहा है, लेकिन इससे पहले का जो कलर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा लाइट था, तो अभी दूर से देखने में ज़्यादा ही पता चलेगा, तो अभी नज़दीक में ज़्यादा हो चुका है। और शुरू शुरू में जो कलर हो गया था देखिए बहुत ज़्यादा ही फर्क हो गया था, क्योंकि डार्क हो गया था इसमें, क्योंकि सऊदी ने गलती से दे दिया था वो प्रोफाइल और ड्राइवर को, और वो खिड़की का कलर था जो इसी वजह से सब गड़बड़ हो गया। देख सकते हैं पहले जो मैं वीडियो आपको दिखाया था इसका, ये घर का, तो मैं इसका वीडियो डाला था, और आप देख सकते हैं अभी वो पूरा तैयार होने के बाद किस तरह का दिख रहा है, पूरा बड़ा बड़ा गेट लग चुका है, बाउंड्री लग चुकी है। तो दोस्तों हम भी आ गए हैं साइड पे, थोड़ा कर लेते हैं कुछ काम, और उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।